फिल्मों के हवाले से इंडिया पाकिस्तान अब तो हॉलीवुड में भी एक हीरो होता है। नवी गल सुना लगे बच्चे बच्चे नु पता हीरो भाई और बत्ती हीरो होते हैं फिल्म एक विलन होता है विलन दो कर लो विलन दो कर सवाल क्या है विलन क्यों जरूरी है ये खाने के लिए भाई जी फिल्म अगे चलानी होंगी कार च एक बदतमीज बंदा होना चाहिए क्यों होता है विलन अच्छा तमीजदार विलन को कौन देखेगा वो ये बोलेगा हम आपको चमाट मारना चाहता हूँ इसके बाद आपके घर वालों को लूट के ले जाऊं चलिए ये जानने के लिए कि विलन क्यों जरूरी होता है आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बुलाया है दावत दी है कराची से स्पेशली स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है आसान काम नहीं है रिक्वेस्ट करना आज के एक्टर कमाल के बला के डायरेक्टर कमाल के बला के और इंसान ये उन्हीं से पूछ लेते हैं और अभी पता चल जाता है बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब शमून अब्बासी साहब और इनके साथ जो मेहमान हमारी तशरीफ रखती हैं वो खवातीन के राइट्स के हवाले से बड़ी खिदमात है उनकी जो पाकिस्तान में जाहिलाना रस्म और रिवाज है उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हैं बहुत सारी थालियों में उनको भी वेलकम कीजिएगा मोहतरमा समर मिनल्ला साहिबा मैंने जिंदगी में पहली मरतबा सुना है कि कोई खातून डाकू बनाती है डॉक्यूमेंट्री भाई डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री वैसे अंग्रेज ने दौर में पेंट कोट अलाउ नहीं हर बंदे ये नहीं किसी ने किया होगा सख्ती होती है ना और डॉक्यूमेंट्री वो बनाती बच्ची तो डाकू अभी ओपनिंग में शमून साहब मैं कह रहा था कि फिल्म में एक विलन भी होता है विलन क्यों जरूरी होता है मेरे भाई लोगों ने भी बताया कि क्यों जरूरी होता है आप बताइए विलन क्यों जरूरी होता है ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि फिल्म में जब तक वो एक ट्विस्ट नहीं आएगा जब तक कोई चीज रोक उस सारी कहानी को रोकने और टोकने वाला नहीं होगा तो वो जो सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कोई आगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट है हीरो बनने के लिए विलन का होना बहुत जी हाँ यस यू आर लग गया अगर पतले हो तो मैंने हीरो देखी इनकी फिल्म थोड़े से फैल गए तो विलेन आ गए अच्छा ऐसे बंदे ना मल्लेदार सेहतमंद बंदे ना मल्ले वाले लोग सलाम कर करके बदमाश बना लेते सलाम अलैकुम प्यालवान जी अच्छा भी अच्छा सलाम अलैका अच्छा अच्छा वो एवं तीसरे हफ्ते तो सलाम ना कर दे मेरा खैर यार सलाम जी तो You must be familiar with these बिल्कुल जी और मैं भी बहुत ज्यादा इनका मतलब कदर करती हूँ और ये तो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है मेरी जेब 300 रुपया दे क्या सरमाया जी आई वुड लाइक टू टेक अ स्टार्ट फ्रॉम यू लोग बाहर जाते हैं वकालत में मास्टर्स करने के लिए डिग्रीज करने के लिए डॉक्टरी में बड़ी बड़ी और स्पेशलाइजेशंस के लिए आप एंथ्रोपोलॉजी बशरियात जैसा मजमून व्हाई यू पिक्ड अप सच अ ड्राइव सब्जेक्ट क्योंकि मुझे लोगों को समझना और कल्चर सोसाइटी को समझना हमेशा से बहुत अच्छा लगता था और मेरा एक जो शौक है मैं ज्यादातर गांव में जाती हूँ वहां के कल्चर को समझने की कोशिश करती हूँ और एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है कि जहां आप लोगों के कल्चर को उनके रस्म और रिवाज को अप्रिशिएट करते हैं इसलिए मैं पश्तो बोलती हूँ लेकिन मुझे आपके सारे मजाक समझ आ रहे थे मगर आपको पश्तो तो नहीं आती ना जाकवाड के पैदेशी भी नीम पख्तून नीम पंजाबी बस डे रखा था तो मेरा ये थी कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ हम लोगों का जो विरसा है हमारा जो कल्चर है उस सबको मेरे ख्याल से हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए तो मेरा एमफिल एंथ्रोपोलॉजी में था कैम्ब्रिज से और फिर मैं वापस आई अच्छा तो फिर खवातीन के ह्यूमन राइट्स के ऊपर बड़ा काम जी फिर उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनानी शुरू की पश्तो में अच्छा क्योंकि तब हमारे अपने रीजनल जबानों में कोई डॉक्यूमेंट्रीज नहीं होती थी
और मेरे लिए जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत जरूरी है. तो मैं चाहती थी कि मेरी डॉक्यूमेंट्रीज उन इलाकों में दिखाई जाएं जिनके बारे में मैं बना रही हूँ. तो मैंने बेशुमार पश्तों की और सिंधी की बनाई है. और पश्तों का जो फोक म्यूजिक है जैसे बीबी शीरीने हो गया. फिर अल्लाहो एक लोरी है पश्तों की. अच्छा. जो कि ज्यादातर लोरियां हम लोग बेटों के लिए बनाते हैं लेकिन वो पश्तों की लोरी हमने बेटियों के लिए बनाई. अरे बाबा. और उसमें पश्तों में ये दुआएं हैं बेटी के लिए कि तुमने तालीम हासिल करनी है, तुमने मुल्क में रोशनी फैलानी है. चाचा जब छोटा था ना जी, इनकी वालदा इनको लोरी देती थी, वो चारपाई के साथ कपड़ा बांध के उसमें डाल के ना जी, तो फिर कहती थी उरा मारते परा मारते. आप औरतों के हकूक के लिए काम करती जी, चाची दी तो जान छड़ाओ इन्हों को. हर नौजवान जब घर से निकलता है तो वो एक ख्वाहिश करके निकलता है कि मैं तो हीरो बनूंगा. बिल्कुल. विलन का कोई भी सोच के नहीं निकलता. बट आपने पर्दा स्क्रीन पे पहली मर्तबा विलन किया तो था ये कि मैं विलन ही करूं या उस वक्त और कोई चॉइस नहीं थी? व्हाट वाज द रीजन? नवान भाई मुझे लगा कि आपको ये लगा कि मुझे वो किरदार करने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरे अंदर का जो सही विलन है वो बाहर आ जाएगा. अच्छा. वो जो कैरेक्टर था एक्चुअली उसमें देखा जाए तो फिजिकली ऐसा एज सच कोई इतना जिसको कहते खतरनाक वैसे नहीं था वो. मतलब उसने फिजिकली फिल्म में देखा जाए तो कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं की. सो जो बैकग्राउंड था बड़ा खतरनाक था जिसकी वजह से जब जब वो कैरेक्टर आता था तो लोग बड़ा वो होते थे कि वो यार ये कर देगा वो कर देगा. दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये मैं वैसे भी एक मैसेज देता हूं अपने सारे न्यू कमर्स को भी कि हीरो ठीक है आप रहें बट ये मत भूलें कि आप एक कैरेक्टर एक्टर भी होते हैं. समटाइम्स यू कैन बी प्लेइंग यू नो एक फकीर का रोल भी आपके पास आ सकता है. पूरी मूवी हो सकता है उस पर बेस करती है. बिल्कुल. मैंने एक फिल्म देखी आपने पुलिस वाले का कैरेक्टर किया था भाई लोग भाई लोग में. तो एक जगह ट्रीटमेंट आप लेते देते करते हैं वो स्क्रीन पे तो बाखुदा आपका ट्रीटमेंट देखा तो वो किसी भी मुल्क के एक्टर से कम नहीं हो सकता लड़के हो सकता. एक्शन भी कर लेते हैं सर माशाल्लाह. लव स्टोरी भी और कॉमेडी भी कर लेते हैं. ये पिछले दिनों इनका एक टेलीविजन कराची से कोई प्रोग्राम चला था उसमें कॉमेडियन थे मैंने वो अपने लाले पै गए. कॉमेडी करने के लिए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत जरूरी है. आई थिंक यस सर. एक स्टेप अहेड होते हैं जितने भी कॉमेडियंस होते हैं जिंदगी में. एक मिजाज जो है वो कहीं और से भी तलाश करते हैं. थ्री डायमेंशनल होते हैं. उनकी कॉमेडी थोड़ी सी आम लोगों से बढ़कर होती है. जो कहा जाए कि कॉमेडियन जो करते हैं कॉमेडी के रोल उनका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हीरो के अंदर एक अच्छा इंसान होना जरूरी है. नहीं जी मैं माजरा चाहता हूँ. हमारी इंडस्ट्री में ज्यादातर जो हीरो हैं आम जिंदगी में विलन ही दिखते हैं. शमून अब्बासी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. समर मिनल्ला साहिबा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं. एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं. कहीं मत जाइएगा. जी डीजे. खुशबू के डॉलरों ने कोई काम कर दिया. सेनेट की सीट को भी मेरे नाम कर दिया. सोने नहीं दिया है मुझे घोड़े बेचकर. बारिश ने ट्रैफिक हर जगह जाम कर दिया. क्रिकेट का मैच टीम ने जीता तो डीजे ने अपनी खुशी को दोस्तों के नाम कर दिया. जीत गए हाँ. जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात. वनी की एक रस्म जी. है जी. वो क्या है जी पहले ये तो एक्सप्लेन कीजिए. जी वनी की जो रस्म है जी इसको जब दो कबीलों में या दो लोगों में दुश्मनी होती है कत्ल हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए जरगा फैसला करता है कि बच्चियों को आप दुश्मन के घर भेज दें. तो जो कातिल है वो खुद बच जाता है और उसकी बेटी या उसकी बहन उसके कत्ल की सजा पूरी जिंदगी. शादी की जाती है. देखिए उसको कहते हैं कि शादी की गई लेकिन उसको शादी के रसूमात से महरूम किया जाता है क्योंकि उसका मकसद होता है उसको सजा देना.
اور اس کو یہ پورے پاکستان میں ہے, خیبر پختونخوا میں اس کو سورا کہتے ہیں, سندھ میں سنگ چٹی اور بلوچستان میں ارجائی. گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا کبھی دیکھیں اس کے حوالے سے, اس ایشو کے حوالے سے گورنمنٹ کو پرمیشن نہیں ہے ٹو انٹرفیئر, بیکاز یہ جرگوں کا یا قبیلوں کا ایک اپنا قانون ہے, بالکل ٹرائبس کا اپنا قانون ہے, بالکل جی, اور یہ رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن 2004 میں قانون سازی ہو گئی اور اب جو بھی سورا میں یا ونی میں بچیاں دیتا ہے تو اس کو 3 سے 10 سال کی سزا مل سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی 70 یا 80 سے زیادہ بچیوں کو بچایا گیا, ان جرگوں میں اریسٹ ہوئے. تو میرے خیال سے قانون سازی بھی بہت اچھی ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح آپ کا جیسے پروگرام میں بتا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے. یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں تو میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ جو ہمارے مرد ہیں حضرات وہ اس پورے سفر کا ایک حصہ ہیں. مطلب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ظالم ہے, لیکن میرا فیلڈ میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ بہت اس طرح کے والد ہوتے ہیں جو کہ ٹرائبل علاقوں میں بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پچھلے ہفتے سندھ میں آگے پنو آکل سے بھی آگے کچے کا ایک علاقہ ہے جی, وہاں آپ یقین کریں نہ سڑک ہے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہاں ایک والد نے جرگے کے خلاف کھڑا ہوا, اس نے کہا میں اپنی 7 سال کی بچی کو نہیں دوں گا ایک دشمنی کو ختم کرنے کے لیے. اب میرے نزدیک وہ والد وہ تبدیلی ہے جو کہ اس کمیونٹی میں آئے گی. ارے اس والد کے لیے بہت ساری تالیاں. گزشتہ کئی سالوں سے, اب تو پچھلے دو بلکہ کافی سالوں سے ہماری فلمیں بھی ہندوستان اکراس دا بارڈر جاتی ہیں, تو ہمارے تقریباً جتنے بھی فنکار ہیں یہاں سب کے بارے میں وہ جانتے ہیں. تو ایسا کوئی پرپوزل ہے پائپ لائن میں؟ نمان بھائی, ڈیورنگ دا شوٹ آف وار مجھے وشال بھردواج صاحب جو ہے ویری راؤنڈ ڈائریکٹر ان انڈیا, ہی اپروچ می فار اے مووی کال سات خون معاف ود پرینکا چوپڑا. اچھا. بٹ آنےسٹلی اس وقت آئی واز کمیٹڈ ود وار, اور سچی بات یہ کہ میرا یہ تھا کہ میں ایک دفعہ پاکستان کے لیے کوئی ایسی چیز کر جاؤں, کیونکہ اٹس کوائٹ ایزی کہ آپ جا کے بالی ووڈ کی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. بٹ مجھے لگتا ہے کہ سب ہم وہاں چلے جائیں گے تو پاکستان میں کچھ ذرا سی کمی ہو جانی ہے, کیونکہ سبھی جا رہے ہیں. اینڈ آئی ریسپیکٹ آل دوز, فواد علی, آئی تھنک دے آر ٹریمینڈس, دیر از ٹریمینڈس ٹیلنٹ ان دیم, جو یہاں ہم نے نہیں ان کو پلیٹ فارم دیا. وی ہیو اے پرابلم آف ناٹ ایکسپٹنگ دیٹ دس از اے اسٹار. پاکستان میں دیر از اے میجر پرابلم. میں آپ کو نہیں ماننا چاہوں گا, آپ مجھے نہیں مانیں گے, میں ان کو نہیں مانوں گا, بیکاز ہم بڑے انسیکیور ہیں. لیکن یہاں مانتے نہیں ہیں. چاچا کل 200 روپے لے کے, اب نہیں مان رہا. 200 اور 2 منوا لو. چھوٹی سی بریک لینا بہت ضروری. جی ڈی جے. دیکھ کر دلکشی زمانے کی, فکر ہونے لگی ہے کھانے کی, ان کی عیاشیاں بتاتی ہیں کوئی حالت نہیں خزانے کی, توڑتی جا رہی ہے دم ڈی جے میری خواہش پتنگ اڑانے کی, وہ کٹا ہوئے. دیکھو جی, بندہ مسل بہا کے مفت لسی پی جائے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. اپروکسیمیٹلی کتنی ڈاکیومینٹریز سمر صاحبہ ہو چکی ہیں؟ میں نے جی کوئی 30-35 ہوں گی. اینڈ اونلی آن دی ایشو آف مختلف, جی جیسے ہیومن اسمگلنگ پہ کی تھی, پھر چائلڈ ڈومیسٹک لیبر جو زیادہ تر ہے وہ کلچر پہ ہیں, جیسے ساؤتھ پنجاب کے کلچر پہ ایک بنائی جس کا نام ہے لینڈ آف 1000 کلرز, جو کہ وہاڑی میں ایک شہنائی پلیئر ہے, ان کو انٹرویو کیا. پھر چنری جو خواتین بناتی ہیں, اسی طرح خیبر پختونخوا کے کلچر پہ ایک بنائی. تو جتنا رسومات یا نیگیٹو چیزوں کے خلاف
आवाज उठानी जरूरी है, उतना हमारे जो पॉजिटिव चीजें कल्चर की उनको हाईलाइट करना और प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए जब वहां से लोकल कोई मुझे कहता है कि मैंने जब ये देखा तो मेरी आंखों में आंसू आए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्राइड की बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा थोड़ा पढ़िया लिखिया बंदा ना वो बीमार हो जाए बीवी को, मैंने कहा क्या तुम क्या कह सकते, तुम्हारी औकात क्या है, तुम थे क्या भागो ये ना लेटर करती थी कौन सा कलर पहन लिया बहुत डपर परफ्यूम भी इतना घटिया वो कान में तो पेंडू फंबा नहीं लगा कॉटन का, सॉरी टू से तुम जाओ मैं रहती हूँ। कोई आप ही चीज मेरे इन प्यारे मेहमानों को डेडिकेट कीजिए, क्यों ना उनकी फरमाइश ही हो जाए। आप बताइए क्या सुनना चाहेंगी आप? आप रफी साहब का कोई भी गा लें। आपकी फरमाइश सर आंखों पे जी। जी मेरे दिल को तुम भाग गए मेरी क्या जिसमें खता मुझे परेशानी होगी मेरे ऑडियंस को क्योंकि हम दरखास्त करने जा रहे हैं शमून अब्बासी साहब से कि वो गाना सुने। तुम नाराज हो सज्जाद अली का? मैंने नाराज नहीं है दोस्त, जाने के बाद जरूर हो जाएंगे। बाबे मॉडल बनना चाहती है ना, किस चीज की मॉडलिंग करो? बाबे लॉन की मॉडलिंग करेंगे। लॉन तुम्हें पता नहीं है शायद वो कपड़ा खवातीन के लिए है, उसकी मॉडलिंग भी सिर्फ खवातीन करती है। तो एक बार जरा चेंज दे के देखो ना। देखो जब बंदा मसल बहा के मुफ्त लस्सी पी जाए। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੁਛ ਕੱਚੇ ਹੀ ਚੜ ਜਾਵਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਣ। ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਕਹਾਂ? ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਮੇ। ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆਓ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ।
इसलिए तो बाबा ह्यूमन राइट्स पे काम कर रहा है। बाबा इन्होंने दसना चाहता है कि एडा जुलम ना करो, ना करो। जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे, बाबे हैं बचिया, छोटा कीमा आधा किलो दियो दियो पाजी, कटो पुछ दा पुछ दा पुछ। अरे वो म्यूजिक की दुकान लगा के बैठा है, गोश्त नहीं हम जानते नहीं हम इसको। बहुत अच्छे, कभी दाल मांगता, कभी दही मांगता, कभी गोश्त मांगता। गोश्त की दुकान नहीं है वो, म्यूजिक की दुकान है। उसे ये कहो कि मुझे चांपों का म्यूजिक चाहिए और गुर्दे की गजल दे दो यार, तो कौन खाएगा? पुठ दिया दो ठुमरिया पैक। जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आ गए हैं तो बच्चिया बाबे तुझे शांप निकाल के दिखाने जा रहे हैं। क्या कहने है समर साहिबा, देख फिर जरा, ये चटपन चौक छुपन जटपन तुम तड़ाक शू छड़ाक, ये काली कलकत्ती वाली तेरा बाद ना जाए, खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए, ये दागड़ता 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 कर दिन तक हरिया बोतला खरिया बोतला सुचिया बोतला, आ बे कुल्लू कुल्लू चू चुल्लू हट कटोरी चू, हे भूत जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगू, हे हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरू, भाई दागड़ता 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 कर दिन तक चाप निकले नहीं, नहीं। आ जा फिर ब्लड प्रेशर चेक करा, अबे ब्लड प्रेशर इधर चेक करते हैं, इधर तो घड़ी चेक करते हैं, यहाँ इंसानों का चेक करते हैं। ये वो मशीन है बचिया जो सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकती है। इसकी चली है दोस्तों इस दिल के सामने, बेशक लाया है हमको घेर के कातिल के सामने। आए, आए। वो अब अपना आईने में देखते हैं यूं, कातिल खड़ा हो जिस तरह कातिल के साथ। हाय 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 हाय, ये बात देखे अगर तो वार दे वो इस पे चांदनी, कुछ भी नहीं है चांद तेरे दिल के सामने। हाय यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जल्दी से हम ले लेते हैं और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो सामने जी से पूछेंगे शमून अब्बासी साहब के सितारे क्या कहते हैं। जी डीजे, जिंदगी का लुत्फ भी आ जाएगा जब कमा कर घर में तू कुछ लाएगा, सब्सिडी गंदम की कर ली इस्तेमाल, आटा दिल पे बोझ बनता जाएगा, डीजे मानेगा तुझे लीडर जो तू मुल्क में सरमायाकारी लाएगा लाएगा। आप अकेले बुढ़ापा अपना मिजरी, मतलब आखिरी स्टेशन है इस पे उतर जाएगा। अगर फैसला जहन खोल के किया गया तो फिर तो चल जाएगा, लेकिन अगर आंखें खोल के किया गया फिर मुश्किल हो जाएगा। जी वेलकम बैक टू मुजाकरा। जी सामने जी जरा रोशनी डालिए शमून अब्बासी साहब के सितारों पे। शमून भाई की भी बायोमेट्रिक तस्दीक होनी चाहिए, पता तो चले कि इनके नाम पे भी कौन कौन है। जी सामने जी बिस्मिल्लाह कीजिए जी। सबसे पहले तो मैं जो एक बात हम लोग पहले कह रहे थे कि जी विलन होना बहुत जरूरी है और जिस तरह उनकी एक लुक भी विलनो टाइप है, यकीन कीजिए कि जायचा पढ़ के मेरी तो राय यकसर बदल गई है। इंतहाई अच्छा दिल और मोहब्बत करने वाला दिल, बार बार मोहब्बत करने वाला। थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है कि पिछले एक से डेढ़ साल में इनके अंदर कुछ इस तरह की तोड़ फोड़ दुनियावी दीनी सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है कि मुझे डर है कि ये बंदा सन्यास ना ले लेके गोशा नशीनी में ना चला जाए। ये आप पूछिए, तब्दीली आई है कोई जेनी? मुझे लगा कि आई है, आई है हाँ, थोड़ा सा। व्हाट आर दोस पर्टिकुलर फैक्टर्स जिन्होंने आपको इस तरफ इस तब्दीली पे मजबूर किया? मुझे लगता है भाई अब अल्टीमेटली इंसान के अंदर ही जो कुछ इतनी बड़ी दुनिया है खुद के अंदर कि हम बाहर की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि शायद अपनी चीजों को रेक्टिफाई करना, उनको बेहतर करना, उनमें जो गलतियां हैं उनको हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो वो वापसी आना अपने अंदर, उस वापसी को मैं कहूंगा कि वो जिसका ये कह रही है सन्यास, वो मेरी वापसी है अपने अंदर जिसमें मैंने कुछ चीजों को समझा है। और मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया इतनी है इम्पोर्टेंट, बट शायद अपनी दुनिया पहले जो है ना दुरुस्त करना बड़ी जरूरी है।
फादर इनके बड़े रोल मॉडल मुझे नजर आते हैं। जी जुबैर अब्बासी सर, एंड व्हाट अ जेंटलमैन। आई मीन मेरा दो तीन दफा उनसे इंटरेक्शन हुआ है, द वे ही स्पीक्स सो पोलाइट सो हम्बल और मजा आता है। आई बिलीव इन दैट लाइक फादर लाइक सन। यू नेवर नो आई थिंक ही वॉज अ मोर पोलाइटर पर्सन देन आई। बेइंतहा ऑब्वियस आदमी, मतलब जो अंदर है ही सो ऑब्वियस। अब पता नहीं उन्होंने अदाकारी को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं कि मैं नहीं और बहुत अच्छे अदाकार है, मस्ट से दैट। जितना ही ऑब्वियस इनके साइंस हैं कि इनसे एक्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो ऐसे आदमी के लिए। ना दुनियादारी वाला दिल ना कारोबारी दिमाग, दोस्तों के मामले में ब्लेस्ड हैं वो, किस्मत से बहुत अच्छे इनको मिलते हैं। लव स्टार्स बहुत अच्छे हैं, फिर शादी के जायचे में एम्प्टीनेस क्यों है इसकी रीजन मुझे समझ नहीं आती। जो जो आया उसने जेन्युइनली चाहा, फिर क्यों खाली है वो मैरिज हाउस। और मैं बल्कि इन्हें कहना चाहूंगी कि अकेले मत रहिएगा अपनी लेटर एज में, वो बहुत डेंजरस साइन होगा। ऐसा है नुमान भाई, कभी कभी ये होता है कि आप किसी म्यार पे खुद पहले नीचे आते हैं, किसी के म्यार पे खुद जब आप नीचे आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि जब आप यहां थे और आपने किसी के म्यार को मैच करने के लिए खुद अपने आप को झुकाया, उससे नीचे फिर टूट फूट होती है। अगर उससे नीचे मजीद जाना पड़ जाए ना, तो एक वक्त होता है आप झुकते हैं, फिर वहां आगे कोई पुश कर देना तो सेकंड में बंदा गिरता है। छोटे से पुश की बात, हाउस ऑफ मैरिज की बात आपने की है, मैंने जब जब ये एक घर सजाया उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतलब का आंसर बड़ा रहा। आने वाले प्रोजेक्ट्स में शमून साहब क्या क्या आ रहा है माशाल्लाह? अब मूवीज पे काफी सारा ध्यान है। अच्छा, अभी टीवी के कुछ बहुत मजेदार से सीरियल्स हो रहे हैं। तो टेलीविजन भी चल रहा है, फिल्म भी चल रही है। ये नहीं, कुछ एक्टरों की तरह अगर फिल्म कर रहे हैं तो टेलीविजन छोड़ दिया। टेलीविजन इज माई फर्स्ट लव। और कौन कौन सी फिल्में आ रही है? फिल्म सर अभी तीन आ रही है। एक मेरी फिल्म है दीबल, जिसमें हम सारा जो लियारी का हमारा सारा वो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, देयर इज अनदर वन कॉल्ड सवाल 700 करोड़ का। अच्छा, जमशेद जान की फिल्म है। अच्छा, बी शॉट इन बैंकॉक। अच्छा, और एक सैयद नूर साहब की फिल्म है जो अभी उन्होंने स्टार्ट की है, उसकी कुछ हमारी इनिशियल मीटिंग चल रही है। अच्छा, ही वेरी लविंगली आस्क्ड मी टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड इन फ्यूचर कोई अपनी डायरेक्ट करने का इरादा? जी अपनी मेरी एक फिल्म है। वो अंदर का जो डायरेक्टर का कीड़ा है वो तो तंग करता होगा। वो बिल्कुल है, वो पापा की आखिरी फिल्म थी उनकी, उनकी जिंदगी की जो उन्होंने लिखी थी, दैट वाज गिद। अच्छा, और गिद पे काम हो रहा है। अच्छा, और दर्जमी शान अगेन हम एक दफा फिर साथ आ रहे हैं। माशाल्लाह जी, क्या पंचलाइन देने लगे थे कि एक लास्ट चांस 2016 के मिड में आएगा इनकी जिंदगी में फिर से शादी का। ये भी तो हो सकता है कि मैं उस ऑप्शन को अब एक्सेप्ट करने को तैयार ही ना हूँ। नहीं आप करेंगे, आई एम सो ब्रोकन। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि जरूर अवेल कर लीजिएगा, इसलिए कि आप अकेले बुढ़ापा अपना मिजरेबल, मतलब आखिरी स्टेशन है इस पे उतर जाइएगा। अगर फैसला जहन खोल के किया गया तो फिर तो चल जाएगा, लेकिन अगर आंखें खोल के किया गया फिर मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी तालियां भी शमून अब्बासी साहब के लिए। अ क्विक ब्रेक और फिर समर साहिबा के सितारों के हवाले से बात करेंगे सामिया जी से, कहीं मत जाइएगा। जी डीजे। जवानी के तराने गा रहा हूँ कि सबके दिल को मैं बहला रहा हूँ, वही इल्जाम वो मनफी सियासत, अब इन चीजों से मैं उकता रहा हूँ कि होगी घंटों घंटों लोड शेडिंग, अभी से सोच के घबरा रहा हूँ। हाय हाय आ कटा महंगाई मिटा और हर कौम से तरस बिखरा। जी वेलकम बैक टू मुजाकरा। जी सामिया जी, जरा बताइए हमारी समर साहिबा के सितारे क्या कहते हैं? इससे पहले कि सामिया मेरे सितारे बताए, मैं आपको सिर्फ एक कहानी करती हूँ। मैं और सामिया कॉलेज में साथ थे और हम दोनों डिबेट्स के लिए गुजरात कॉलेज गए थे। मुझे इंग्लिश में प्राइज मिला, सामिया को उर्दू में, इस्लामिक। फिर हमने कहा कि अब वैरायटी शो करते हैं, तो ये क्योंकि कल्चर की तब एक्सपर्ट थी, इन्होंने कहा कि तुम चौधरी बनो, मैं खातून होंगी और हम स्टेज पे जाएंगे। इसने मुझे भंगड़ा भी सिखाया, मैंने हाथ में हुक्का भी पकड़ा। हम जब स्टेज पे गए, भंगड़ा डालते हुए स्टेज से मैं गिर गई। मुझे जहां तक याद है सामिया भी मेरे साथ गिर गई।
पूरे क्राउड के ऊपर वो हुक्के की टोपी को भी हमने खाली नहीं किया हुआ था। और गिर के तो शर्मिंदा नहीं हुई, ऐसे हाथ जाकर कहेंगे हम हर साल गिरती हैं। जी सामिया जी, अच्छा ये एम्बिशियस भी बहुत हैं, अपने काम को लेके डेडिकेटेड भी बहुत हैं, लेकिन जो इनके अंदर एक नेगेटिव चीज है समर के अंदर कि ये आज को एंजॉय नहीं करती हैं, मतलब ऑलवेज अब कल की फिक्र को लेके जो है आप अपने आज को फॉरगेट करते जाएं। वो हम ऐसे लोगों को एक इस्लाम हमारे बुजुर्ग कहा करते थे बुढ़ी रूह है। हाँ, तो आप सर, अगर मैं कहूँ आपके हवाले से कि आप एक बुढ़ी रूह हैं, बचपन से बुढ़ी रूह। क्या मुझे सहेलियाँ मुझे बचपन से, मतलब जैसे घर पे वक्त गुजारना, म्यूजिक सुनना, वो और लोगों को लगता था कि ये बुढ़ी रूह है, लेकिन मुझे वो वक्त अच्छा लगता था। इनके वालिद बहुत यंग एज में ही डाइड। मैं 12 थी जब मेरे वालिद का कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, लेकिन अम्मी इतनी बहादुर और स्ट्रांग थी जी कि उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया। तो मतलब मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जिंदगी में जितने भी, मतलब अगर भाई बहन है या मेरे बच्चे मियां हैं, सब बहुत प्यार देने वाले हैं, बहुत ज्यादा। तो अल्लाह अगर एक गम देता है, जैसे मेरे वालिद चले गए जल्दी, तो अल्लाह फिर और भी बहुत प्यार देने वाले दे दे। बिल्कुल ठीक बात। तो कभी नहीं की, बहुत शरारतें की हैं जी। सोबर कहां से? सेम लाइक मी, सोबर पब्लिक या उसमें, लेकिन घर में कोई एक ऐसी शरारत जो जहन में अभी भी फंसी हो? जानते हो ना होनी है। मैं जब बहुत छोटी थी जी, मुझे किसी ने कहा कि मुझे खत लिख दो, वो चित्राल से थे, मेरी सास को कहो कि मैंने जो वो टेप रिकॉर्डर तुमने मांगा है मैंने खरीद लिया है। मैंने उसको खत में लिखा कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हारे वो खत चला गया और मैं भूल गई उसके बारे में। तो वो कोई ऐसे खत जाने में भी वक्त लगता था, उसका जवाब आने में। तो एक दिन वो मेरे पास बहुत दुख में आया कि तुमने क्या लिखा था बीबी, क्या लिखा था? तो फिर मैंने कहा मैंने तो ये लिखा था। उसने कहा मेरी सास नाराज है मुझसे। तो ये बचपन की शरारत, मेरी शरारतें। और फिर हम जब भी कहीं कॉलेज के ट्रिप पे जाते थे, मेरे पास एक मास्क होता था, वो मास्क मैं पहन के हर कहीं जाती थी। एक बार मैंने वो मास्क पहना किसी को डराने के लिए अपने गांव में, और उन्होंने बहुत जोर की चपेड़ मारी थी। जी वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी तो थोड़ा सा पॉलिटिकल है? पॉलिटिकल एज सच नहीं है जी। अम्मी आई थी, मतलब वो MNA बनी थी अब्बू के डेथ के बाद, लेकिन फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने फिर जब खत्म हो गया टर्म, तो वो बिल्कुल कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं थी। मतलब उनकी अच्छा। जब गाड़ी असेंबली में जाती थी तो अक्सर उसको धक्का देने की जरूरत होती थी। वो औरों के पजेरो होते थे, हम लोगों की दूसरी तरह वो होता था। और एक बार तो इन्हीं चीजों पे मुझे फख्र होता है, मतलब कि मेरी अम्मी में या मेरे फैमिली में ये चीज कभी भी नहीं थी। बहुत सारी तालियां जी मेरे मेहमानों के लिए। शमून अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे मालूम है आजकल बहुत मसरूफियत चल रही है, लेकिन आप स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए कराची से आए। समर मिनल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला।